सो गाइस, अगर आप इस टाइम पर रियलमी कंपनी का स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज में हमें रियलमी स्मार्टफोन पर काफी जबरदस्त डिस्काउंट देखने को मिलने वाले हैं। वहीं कौन कौन से स्मार्टफोन पर कितना डिस्काउंट मिलेगा तो ये भी मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से दबाएं। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि फ्लिपकार्ट पर 3 अक्टूबर से नई सेल स्टार्ट होने वाली है, जिसका नाम होगा फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल, जिसमें कि काफी सारे स्मार्टफोन पर हमें डिस्काउंट एंड ऑफर देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप पोको और मोटोरोला के स्मार्टफोन पर डिस्काउंट देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब रियलमी कंपनी के उन स्मार्टफोन की जिन पर की काफी जबरदस्त डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस सेल में सबसे पहले स्मार्टफोन आता है रियलमी 8i, जिस पर हमें 1000 रुपीज का डायरेक्ट प्राइस कट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप इस पर कार्ड ऑफर वगैरह लगा देंगे तो ये स्मार्टफोन 13000 से भी कम कीमत में देखने को मिलेगा, जिसमें कि हमें हीलियो G96 120Hz रिफ्रेश रेट जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। तो इस बजट में ये काफी कमाल का स्मार्टफोन है। अगर आप गेमिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो इस स्मार्टफोन को आप जरूर से देख सकते हैं। इसी के नीचे Realme 8s 5G स्मार्टफोन आता है, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन पर भी आपको 1000 रुपीज का प्राइस कट देखने को मिलेगा, जो कि कार्ड ऑफर और डिस्काउंट के बाद में ये स्मार्टफोन आपको 16000 की प्राइस में देखने को मिलेगा। तो ये इस बजट में काफी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, 5G स्मार्टफोन है, तो आप इसको जरूर से देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसी के नीचे आप देखेंगे तो Realme Narzo 50A और Realme Narzo 50i दोनों स्मार्टफोन हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अभी लास्ट वीक ही लॉन्च किए गए थे। इनकी फर्स्ट सेल 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। हालांकि इन स्मार्टफोन पर आपको डायरेक्ट प्राइस कट तो देखने को नहीं मिलेगा, बट कार्ड ऑफर वगैरह इन स्मार्टफोन पर आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, इसी के नीचे थोड़ा सा चलते हैं तो Realme C21Y स्मार्टफोन पर हमें देखने को मिलता है, जिस पर कि 1000 रुपीज का प्राइस कट देखने को मिल रहा है। हालांकि इस स्मार्टफोन में 3+32GB वेरिएंट भी हमें देखने को मिलता है, बट यहां पर कंपनी ने 4+64GB वेरिएंट पर 1000 रुपीज प्राइस कट किया हुआ है, जो कि इस बजट में ठीक ठाक स्मार्टफोन है। बट अगर आप इस बजट में इन्फिनिक्स हॉट 11 देखेंगे तो काफी सही रहेगा, क्योंकि इससे ज्यादा फीचर आपको उस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, इसी के साथ में हमें Realme C25Y स्मार्टफोन मिल जाता है, जिस पर कि डायरेक्ट 1000 रुपीज का प्राइस कट हमें देखने को मिलता है, और ये स्मार्टफोन 4+128GB वेरिएंट के साथ में आता है। तो यहां पर मेमोरी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है, बट इस स्मार्टफोन के फीचर वगैरह आपको इतने अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, और इसमें सिर्फ आपको HD+ डिस्प्ले मिलती है, जो कि इस बजट में काफी सारे स्मार्टफोन पर आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिलेगी, जैसे कि आप पोको M3 देख सकते हैं, Redmi 9 Power देख सकते हैं, और इन्फिनिक्स हॉट 11S देख सकते हैं। उन सब में आपको परफॉर्मेंस फुल HD+ डिस्प्ले वगैरह काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, तो वो स्मार्टफोन आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें तो दोस्तों, Realme GT Master Edition पर आपको 5000 रुपीज का प्राइस कट देखने को मिल रहा है, जो कि इस सेल का काफी बड़ा डिस्काउंट है। इस स्मार्टफोन को आप जरूर से देख सकते हैं, क्योंकि एक 5G स्मार्टफोन है, 120Hz इसमें रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाता है, और स्नैपड्रैगन 778 वाला इसमें प्रोसेसर हमें दिया गया है। तो 5000 रुपए इसमें डायरेक्ट प्राइस कट देखने को मिल रहा है, और कार्ड फॉर वगैरह लगा देंगे तो ये स्मार्टफोन 20000 की कीमत में एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन जाता है, जिसमें कि आपको डिस्प्ले, डिजाइन, परफॉर्मेंस वगैरह काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों, IQ कंपनी ने अपना IQ G5 सेमी स्पेक्स के साथ में कल लॉन्च किया है, जिसमें कि थोड़े से एक्स्ट्रा हमें गेमिंग वाले फीचर भी देखने को मिल जाते हैं, जिसका फुल डिटेल वीडियो मैंने कल ही बनाया था, तो वो वीडियो आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं, वो भी हमें 20 से 21 हज़ार के प्राइस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, थोड़ा सा नीचे करते हैं तो Realme Narzo 30 स्मार्टफोन हमें देखने को मिलता है, जो कि इस टाइम पर आपको 13.5 हज़ार की प्राइस में देखने को मिलता है। हालांकि इसमें डील रिवील नहीं है कि इसमें कितना डिस्काउंट हमें देखने को मिलेगा, बट मैं कहूंगा कि इस स्मार्टफोन की जगह पर आप Realme 8i देखेंगे तो काफी सही रहेगा। बाकी देखते हैं कि इस स्मार्टफोन पर कितना डिस्काउंट हमें देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में हमें Realme 8 स्मार्टफोन देखने को मिलता है, जिस पर कि 1500 रुपए का प्राइस कट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक काफी अच्छा स्मार्टफोन है, इसको भी आप जरूर से देख सकते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा सा नीचे करते हैं तो हमें Realme C11 2021 देखने को मिलता है। तो मैं कहूंगा कि आप इस स्मार्टफोन को बिल्कुल भी बाय मत करो, क्योंकि इसमें सिर्फ 2GB रैम ही हमें देखने को मिलती है। इस स्मार्टफोन की जगह पर आप पोको C3 देखेंगे तो काफी सही रहेगा। और इसी के नीचे Realme Narzo 35G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जिस पर कि कोई भी डिस्काउंट वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि इस स्मार्टफोन में सिर्फ 5G के अलावा और कुछ भी खास फीचर हमें देखने को नहीं मिलते, तो इस स्मार्टफोन को आप स्किप कर सकते हैं। और इसी स्मार्टफोन के साथ में हमें Realme 8 5G स्मार्टफोन देखने को मिलता है, जो कि 17.5 हज़ार की कीमत में हमें देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन पे 1000 रुपीज प्राइस कट देखने को हमें मिल रहा है। हालांकि मैं कहूंगा कि इस स्मार्टफोन की जगह पर आप इस टाइम पर Realme 8s देखेंगे तो काफी सही रहेगा, उसमें आपको परफॉर्मेंस वगैरह काफी अच्छी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, थोड़ा सा नीचे करते हैं तो हमें Realme C20 मिल जाता है, जिस पर कि 500 रुपए का प्राइस कट दिया गया है। तो यहां पर इसको भी आप स्किप कर दो, क्योंकि इसमें सिर्फ 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। यही सेम फीचर आपको पोको C3 स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे, तो उस स्मार्टफोन को आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में Realme C21 4+64GB वेरिएंट हमें 9.5 हज़ार की प्राइस में देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा ओवर प्राइस है। इस स्मार्टफोन की जगह पर आप इन्फिनिक्स हॉट 11 देखेंगे तो काफी सही रहेगा। और नीचे करते हैं तो यहां पर हमें Realme GT 5G स्मार्टफोन पर 2000 रुपए का प्राइस कट देखने को मिल रहा है। कार्ड ऑफर लगाने के बाद
में ये स्मार्टफोन आपको 34-35 हज़ार रुपये की प्राइस में मिल जाएगा, जिसमें कि ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। यहाँ पर हमें क्वालकॉम 888 पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, इसको भी आप जरूर से देख सकते हैं। और इसी के साथ में रियलमी X7 प्रो पर भी 2000 रुपये का प्राइस कट देखने को मिल रहा है, कार्ड ऑफर लगा देते हैं तो इस स्मार्टफोन की कीमत 26-27 हज़ार रुपये हो जाएगी। तो उस बजट में ये भी एक काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है अगर आप सिर्फ रियलमी कंपनी का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो, वरना तो इस बजट में आप पोको F3 GT देख सकते हैं या फिर OnePlus Note 2 भी देख सकते हैं। तो ये हैं दोस्तों रियलमी के वो सभी स्मार्टफोन जिन पर कि हमें काफी भयंकर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। बाकी अभी और भी काफी सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जिन पर कि डील रिवील होनी बाकी है, तो उनका वीडियो भी हमारे चैनल पर जल्द ही आने वाला है, इसलिए आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होती आप लोगों तक पहुंच जाए। और आप इनमें से कौन सा स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर से बताना, और वीडियो अच्छे लगे तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे और ऐसी नई वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।